आठे आके मन राजी हो गो। सब पहले तो मैं बधाई दियो हूं जय किशन जी ने, सुशील जी ने, नरेश जी ने, दर्शन जी ने, सुंदर जी ने, जयपाल जी ने, बलबीर जी ने, लाभ जी ने, जितेंद्र सिंह जी ने, सोमवीर सिंह ने, महेंद्र ने, बहन रीना देवी को, अमन कुमार, मोहम्मद नगर, मिर्जापुर, किशनलाल, संजीव कुमार, सुरेंद्र कुमार, अमित, सनेलदीप कौर बहन, अनीता बहन, अनिल कुमार, संदीप और नरेश कुमार, आप सभी को बधाई दे रहा हूं। आप सबको ये अवार्ड उपराष्ट्रपति निवास में दूंगा। मेरा आप सबको निमंत्रण है और मैंने ये थोड़ा बदलाव किया है। आप वहां पर आएंगे, एक एक विषय की आपको जानकारी है, लोगों को ज्यादा जानकारी मिलेगी, आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को यह कहूंगा, ये काम जल्दी से जल्दी करें और एक महीने के अंदर निश्चित करें। जो भी समय यह तय करेंगे, साथ में भोजन जरूर करेंगे और तब मैं पता लगाऊंगा हरियाणा के दूध में, दही में, घी में इसी के बात है कि तेको कर बैठो हो तो दुनिया में कोई कौन कर पाए। एशियन गेम्स हो रहे हैं और हरियाणा को डंको बजे है, पूरे देश में सौ ज्यादा मेडल धारा क्यों है, मैं तानसन बधाई दू। श्री जेपी दलाल जी, माननीय कृषि मंत्री जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ऐसे मेले में बुलाया जहां मेरे को कम से कम 2 दिन चाहिए। मैं मेले को न्याय नहीं कर पाया। जो कुछ मैंने देखा, बदलते हुए भारत की तस्वीर है, क्या क्या कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कितने कमिटमेंट के साथ ये मेला बहुत दूर तक फल लाएगा, गजब ढाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर कमल गुप्ता जी, संक्षिप्त समय में पता लग गया आप व्यापारी वर्ग से आने के बावजूद पूरा परिवार शिक्षा की बुलंदी पर होने के कारण देश और दुनिया में नाम कमा रहा है, साधुवाद के पात्र हैं। जनरल वर्ड्स राज्यसभा के सदस्य हैं, सेना में बड़ा नाम कमाया, राज्यसभा के बहुत ही जागरूक अनुभवी राष्ट्रहित को ध्यान में रखने वाले, जन कल्याण की चर्चा करने वाले हैं, उनकी उपस्थिति मेरे लिए बहुत मायने रखती है। श्री विजेंद्र कुमार जी जब बोल रहे थे और आपका उद्बोधन पूरा नहीं हुआ, पर आपके उद्बोधन की एक एक बात हमारे टावरा के भविष्य के निर्माण करने के लिए, जो वो बोल रहे थे वो जमीनी हकीकत का बदलाव था, आने वाले भविष्य की कल्पना थी और आपके सामने रख रहे थे कि क्या हमने किया, क्या करने जा रहे हैं और जो करने जा रहे हैं वो जमीनी हकीकत कैसे बनेगा। आई कॉन्ग्रेचुलेट सच अ कमिटेड ब्यूरोक्रेट, अ वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट फॉर बीइंग वेरी इंसाइटफुल, विजनरी एंड अ गेम चेंजर फॉर एग्रीकल्चर इन हरियाणा। प्रोफेसर बी आर कंबोज जी, वाइस चांसलर साहब, विस्तार से बताया इन्होंने, ये तो ऐसे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं
जिस विद्यालय का नाम किनके नाम पर पड़ा है, भारत के प्रथम किसान प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। चौधरी साहब ईमानदारी के प्रतीक, चौधरी साहब के चरित्र में कोई मिलावट नहीं थी। चौधरी साहब 24 कैरेट गोल्ड, चौधरी साहब अपने सिद्धांत से कभी नहीं अलग हुए। उनका दिल और दिमाग किसान के विकास के लिए था। उनके नाम पर यह विश्वविद्यालय, मैं मानकर चलता हूं, और कीर्तिमान स्थापित करेगा। भाई आदित्य चौटाला आपके मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन है, टापर लागे है पर सोच बहुत बड़ी है, बहुत दूर की सोच है। मेरा मिलन आया उपराष्ट्रपति निवास, क्या गजब की सोच है, क्या मार्केटिंग का सोच रहे हैं, क्या किसान का हित करने के लिए कर रहे हैं, अंदाजा नहीं लगा सकते। गोवा से एक तालमेल कर रहे हैं कि भाई आपके यहां जो होता है उसको आप बेच नहीं पा रहे हो, हमारे यहां किन्नू आपके यहां जाएगा, हम बहुत ज्यादा यहां संरक्षण नहीं कर सकते, तो वो वहां जाएगा। कितना आदान प्रदान है। मार्केटिंग के मामले में ये बहुत बड़ा काम है, आम किसान के फायदे को काम है। और मैं मान के चालू हूं, वो जवान छोड़ो बहुत भूल दिखा खिलाओ, बहुत सेवा करे वो किसान की, बहुत दूर की सोच है। और कुछ बात में ताने कह के भी जाऊंगा, आज सबसे महत्वपूर्ण मेरे सामने कौन है, मेरे सामने अन्नदाता है। मेरे सामने कौन है जो पूजनीय है, मेरे सामने कौन है जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और आपकी बदौलत जो हिंदुस्तान आज से 13 साल पहले दुनिया के 5 उन देशों में था जिनकी चिंता हर देश करता था कि इन देशों का क्या होगा, ब्राजील, भारत, टर्की, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, आपकी बदौलत, आपके खून पसीने की वजह से, आपकी कड़ी मेहनत की वजह से आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं महाशक्ति है। 5वीं, कहां हम कहां थे आपकी वजह से। और आप एक भी अगर बदलाव लाएंगे, आप बदलाव का केंद्र बनेंगे, आप बदलाव को आगे बढ़ाएंगे, तो भारत जब आजादी का जश्न मना रहा होगा 2047 में, वो विश्व में नंबर एक होगा। मनता ने 2-4 बात कहनी है। आज के दिन करोड़ों को पैकेज आलो IIT को छात्र इस्तीफो दे रहे हैं, IIM को छात्र इस्तीफो दे हैं, मोटी मोटी सरकारी नौकरी को इस्तीफो दे है और कह के हैं दूध का व्यापार, सब्जी का व्यापार, अन्न का व्यापार। कहने को मतलब यो है कि आज के दिन भारत शहर के देश में सौ ज्यादा संभावनाएं हैं तो कृषि उत्पादक भी है, हमें थोड़ा उभरना पड़ेगा। आज किसान क्या देख रहा है, बड़ा भारी बदलाव। भारत के प्रधानमंत्री ने ठान लिया, जो श्रद्धांजलि उन्होंने डॉक्टर M.R. स्वामीनाथन को दी, एक एक शब्द चुन चुन कर कहा उस आदमी ने क्या महारत हासिल की थी। अब गेंद किसान के पाले में है, किसान का टाबर टिकर, किसान का बेटा बेटी। आज के दिन कृषि के उत्पादन के व्यापार में आ जाएगा तो गजब हो जाएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अरे घर में चीज पैदा होती है, खेत खलिहान में पैदा होती है, हम उसको जानते हैं, हम उसका व्यापार क्यों नहीं करें। बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा वर्ग है। मैं
मैं कहने राय क्यों राय को असर 100 साल तक पड़ेगा। खेत में अच्छी पैदा करो पर पक्ष में पैदावार नहीं, मैं उत्पाद नहीं, मार्केट में लेन को काम भी यही करो। दूसरा, खेत में सरसों होती है, किसान का टापर टिकट तेल क्यों बनाओ? पर खेत में सब कुछ होता है, उसमें जो वैल्यू एडिशन का काम है, उसमें पैसे की बढ़ोतरी करने का काम है, सरकार की इतनी दूरगामी नीतियां हैं, स्कीम्स हैं, उसमें यदि अगर पढ़े लिखे लो छोरो और छोरी पढ़ जाएगा तो किसान को कल्याण हो जाएगा। और जो कहते हैं कि इनकम डबल हो रही है, ये दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होगी, क्या बात मेरी ते मान। एक और बात है, किसान में जरूरी है कि वो तकनीकी ने अपनाए, आपके दिल के कन्ने ले। मैंने बड़ो आश्चर्य हुए, किसी ने बयान दे दिया मैं तो 10 साल पहले भी ट्रैक्टर चलाऊंगा। पहले तो भाई क्यों चलाओगा, कानून 10 साल पहले खून चलाऊं दे। पर दूसरों बड़ो काम किया है, अरे नए ट्रैक्टर में सरकार की सबसे ज्यादा सब्सिडी है, नई तकनीकी आती है, तेल कम खर्च होता है, नई चीजें हम सीखते हैं। हमें एक जगह रुकना नहीं है, हमें लगातार बढ़ना है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये भी अगर किसान को व्यापार में आने का, किसान का कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करने का काम, उसके प्रोडक्ट बनाने का, वैल्यू एडिशन का कठिन शुरू हो सका है तो अठू हो सका है, क्योंकि तारे दूध घी कमाल का, दूध दही घी में क्या चीज है। भारत को जवान, भारत को किसान, भारत को खिलाड़ी, तीनों में तेसम आगो। छोटी सी बात देखो, पहली बार भारत एशियन गेम्स में सेंचुरी मार दी, पहली बार 100 ज्यादा मेडल आया, पर तारा आटे का मेडल करीब करीब 1/3 है, पूरा देश 2/3 में थे, 1/1 में, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए एक बात ये कहूंगा कि तकनीकी और किसान का सदियों से नाता रहा है। किसान ने खुद के बल पर, खुद की मेहनत पर इंस्ट्रूमेंट को बदला है। कृषि में जो उपयोग होते हैं उनमें सुधार लाए हैं। अब तो टेक्नोलॉजी हमारी अपने आप मदद कर रही है। मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी दराज साहब ने कि हरियाणा में स्कीमें, हरियाणा में ड्रोन टेक्नोलॉजी का अवेलेबिलिटी बहुत जबरदस्त रूप से हो रहा है। पर आप निर्णायक बदलाव के केंद्र तब होंगे जब ते मन में ठान लोगा कि छोरा छोरी नौकरी करने आचू है, कि मारे आठे सरसों हुए है तो वो सरसों के तेल की फैक्ट्री लगा, मारे आठे एक प्रोड्यूस हुए है, फ्रूट हुए हैं, उनको जूस लगा उनकी फैक्ट्री वो लगावा है, आठे अनुआ है, दुनिया में आवश्यकता है, वो व्यापार कर मां ज्यादा ज्यादा आप आगे बढ़ा। इसकी शुरुआत यदि अगर हो गई तो मानकर चलिए क्रांतिकारी नतीजे आएंगे। एक बात और, आजकल विश्व व्यापार बहुत बढ़ रहा है और जमीन से जुड़ी हुई, जमीन से निकली हुई गेहूं चावल चना, इसका विश्व व्यापार है। आपने टापर लाना, आपने छोरा छोरी ने जो प्रतिभाशाली हैं
मन रखो कि कृषि उत्पादक कर निर्यात में भी बढ़े और थोड़ी बहुत आयात कर की आवश्यकता तो हमें भी पड़े, है को असर पूरे देश पर पड़ेगा, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। और कोई माने या न माने, राजनीति भी ग्रामीण आधारित है कोनी, यो बदलाव को केंद्र ते बनो और मेरा क्रमा हरेक आइटम में देखो। मैंने बहुत ही रैपिड स्पीड से जो देखा है वो वह मस्तिष्क के ऊपर जम गया है, क्या क्या मोटे अनाज का नहीं बनकर दिखा रहे हैं, कितनी प्रगति हुई है, कितना इनोवेशन हुआ है, देखते ही बनता है। एक बार फिर हरियाणा सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को, कमल गुप्ता जी आपके वरिष्ठ मंत्री जी को, आपके वाइस चांसलर साहब, आपके सेक्रेटरी साहब, सबका कर्तव्य हूं कि उन्होंने मुझे आपसे मिलने का और थोड़ा साक्षात करने का मौका दिया। ये कह सकता हूं मेरे लिए ये शुरुआत है, अगली बार इस मेले में आऊंगा पूरे दिन का कार्यक्रम बनाकर आऊंगा, वही असली न्याय होगा। तो मेरे भी दिमाग की कुछ जो बंद है वो खुल जाएंगी, देश का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि हमारा किसान कर्मशील है। देश का भविष्य उज्जवल है कि हमारा किसान देश के लिए पसीना बहाता है, देश का भविष्य उज्जवल है कि हमारा किसान जवान भी पैदा करता है, वैज्ञानिक भी पैदा करता है, अधिकारी भी पैदा करता है। अब थोड़ा सा उसको कदम लेने की आवश्यकता, जो मैंने कहा कि वो व्यापार में भी पड़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय भारत। आप सबके करतल ध्वनि के साथ, आपके तालियों के साथ बहुत बहुत आभार माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का, उनके चिंतन, उनकी सोच के लिए। और thank you.